तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई डीटेक पे। दोस्तों, जैसे कि हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 जो कि हमारा इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के जो थेरेटिकल के एमसीक्यूज है नीमी बेस, उसी पे हम आज बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे कि हमारे जो वीडियोज़ है लगातार अपलोड हो रहे हैं हमारे चैनल पे आपके डिमांड के अनुसार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एसी थ्री फेज मोटर के 3 पार्ट लेके आएंगे। आज जो पार्ट है वो फर्स्ट है, तो दोस्तों उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दो, अगर आप हमारे चैनल पर अभी देखना है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आईटीआई से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन हो, अपडेट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जैसे कि दोस्तों, आज हम बात करने वाले एसी थ्री फेज मोटर। तो थ्री फेज मोटर जो सेकेंड ईयर का चैप्टर है इलेक्ट्रिशियन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है नीमी के, वो अभी जो सीबीटी एग्जाम होती है आपकी, उसी में पूछे गए। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पूछा गया दोस्तों, व्हाट इज़ द फार्मूला कैलकुलेट द स्लिप स्पीड ऑफ थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है NS-NR, यानी स्लिप स्पीड। यानी क्या होता है, जो हमारे अगर हम स्टेटर स्पीड से हम रोटर स्पीड को माइनस करते हैं, तो हमारे जो स्लिप स्पीड वो हमें मिलती है। यानी मैग्नेटिक क्षेत्र जितनी तेज़ी से घूमता है और रोटर कितनी तेज़ी से घूमता है, उन दोनों की जो माइनस करेंगे तो हमारा स्लिप का मान होता है। उसके बाद दोस्तों, सर्किट डायग्राम दिखाई गई है आपको, इसका नाम क्या पूछा गया था, इसका जो नाम है इचिंग कंट्रोल है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द फार्मूला कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री इन स्टेटर ऑफ एसी मोटर। इसका जो फार्मूला है दोस्तों, 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स, ये करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद बोला गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टार्टर। जो स्टार्टर दिखाया गया है, इसका नेम क्या है, तो जो कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उसके बाद, व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, जो कि 120 ft/f, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, ये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा पूछा गया, व्हाट इज़ द फ्यूज रेट ऑफ 10 HP मोटर। तो क्या रहेगा उसका दोस्तों, हमारा जो कि 25 A करंट रहेगा उसका फ्यूज रेट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट मार्क एक्स। जो ये किया गया मार्क यहाँ पे एक्स पूछा जा रहा है, इसका जो नाम पूछा जा रहा है आपको क्या है, देखिएगा अच्छे से डायग्राम में। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि जो ये जो मार्क क्या है, इसका नाम क्या है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों, आपके पास ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एसी मोटर वाइंडिंग। दोस्तों, ये जो वाइंडिंग है कौन से टाइप की है, तो जो हमारी डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच फार्मूला कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप ऑफ एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों, जो हमें स्लिप परसेंटेज निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी NR-NS/NS/100, यानी जो सेकेंड ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विच इज द कंट्रोल सर्किट इज यूज। ये जो कंट्रोल सर्किट है कहाँ यूज़ करते हैं हम, रिमोट कंट्रोल के हम उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग थ्री फेज मोटर। अगर बात करें सिंगल फेज में, तो 90 डिग्री का रहता है, और थ्री फेज में बात करें तो 120, यानी कि जो 120 का करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट। तो यहाँ पे आपको पार्ट दिखाया गया है, उसका नेम पूछा जा रहा है, जो कि ये दिखाया दे रहा है, जो कि स्लिप रिंग है। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्लिप रिंग है, जो हमें एसी आउटपुट देने का काम करती है। व्हाट इज पूछा गया है दोस्तों वापस से, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग। दोस्तों, जो ये वाइंडिंग दिखा रही है आपको, वो कौन से प्रकार की वाइंडिंग है। दोस्तों, ये जो है हमारी होल कॉइल वाइंडिंग है, यानी कि होल कॉइल वाइंडिंग इस प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉइल वाइंडिंग। दोस्तों, ये कॉइल जो है डायमंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए जो हमारा ये ऑप्शन है इसका, डायमंड मेश शेप कॉइल वाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच स्पीड कॉन सिंक्रोनस स्पीड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों, किस स्पीड को हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी रिलेटिव स्पीड रहती है स्टेटर और रोटर की, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेटर सिंबल। दोस्तों, जो स्टेटर है, इसका जो नाम है हमारा, जो कि हमारा आता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का जो सिंबल रहता है, ऐसे इसके पहले हमने इसकी सर्किट डायग्राम देखे। इसके बाद दोस्तों, व्हाट इज़ द मार्क एक्स ऑफ द वाइंडिंग मशीन। दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिखाई है, पर इसका जो करेक्ट आंसर आता है हमारा मैंड्रेल आता है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर मोटर। दोस्तों, अगर 6 पोल की मोटर है, तो उसकी इलेक्ट्रिक डिग्री कितनी होगी, तो उसकी जो होंगी 180, यानी कि 180 की डिग्री होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल पर पेयर पोल्स ऑफ थ्री फेज मोटर हैविंग 2 पोल 24 स्लॉट 12 कॉइल्स। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा 3 आ जाएगा।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टार्टर, जो दोस्तों ये स्टार्टर यहाँ पे स्टार डेल्टा का उतरा हुआ है डायग्राम, तो इसका जो डायरेक्ट जो एक स्टार डेल्टा स्टार्टर यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द फार्मूला कैलकुलेट पिच फैक्टर, अगर हमें पिच फैक्टर निकालना है तो हमें किस फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों पिच फैक्टर का जो फार्मूला है जो कि सी है, नंबर ऑफ स्लॉट ऑफ वन नंबर ऑफ पोल, जितने नंबर ऑफ स्लॉट देंगे उसके नीचे से हम उसको पोल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो पिच फैक्टर है वो निकल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैविंग सिक्स पोल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है हमारा जो कि 100 RPM आ जाएगा, 1000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैविंग सिक्स पोल विथ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रोटेटिंग विथ एक्चुअल स्पीड 960 RPM। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा जो कि 3% रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री केज मोटर इज केज मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, तो दोस्तों जो जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी इक्वल में हमारी जो रहती स्पीड थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की वो सेम रहती है, यानी कि जिसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो का, हाउ द वोल्टेज इज रिसीव इन द रोटर इंडक्शन मोटर, दोस्तों जो किस तरह से वोल्टेज वो रिसीव करता है बोलता है रोटर इंडक्शन मोटर का, तो उसका जो है बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर, इन दोनों की एक्शन के बाद ही उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी, कोई आपको डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और ऐसी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड हो या WCS से, अगर आपने आपको प्रॉब्लम जा रही है, अगर आपने अभी तक हमारे वो जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वीडियो देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगी वीडियोस। तो आई होप दोस्तों आप हमारे चैनल पर अभी तक नए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगले जो पार्ट आएगा AC 3 फेज मोटर का सेकेंड पार्ट उसके लिए रेडी रहिए।